वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हम लोग फिर से दीदी बनने वाले हैं। मैं फिर से दीदी बनने वाली हूँ, एंजल एना भी फिर से दीदी बनने वाले हैं, और मम्मा फिर से मम्मा बनने वाले हैं, पापा फिर से पापा बनने वाले हैं, और सब कोई फिर से सब कुछ बनने वाले हैं। तो आप लोगों को शायद समझ में आ ही गया होगा कि हमारा एक छोटा सा भाई या फिर बहन होने वाला है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, और कल हो जाएगा हमारा छोटा सा भाई बहन। तो अभी हम लोग दुर्गापुर जा रहे हैं हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में। तो चलो चलते हैं, और एंजेलिना को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो एना यहाँ पर चेयर पे उठ के बैठी हुई है बेड पे चढ़ने के लिए। अनु को बेड पे चढ़ना है, चढ़ जा बेड पे। खुच 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 खुच। और एंजेल यहाँ पर बैठ बैठ के हड्डी चबा रही है। देखो एना भी आ गई है उसका हड्डी लेने के लिए, कंजलर की। अभी हम लोग कार में हैं और जा रहे हैं दुर्गापुर। ये है मेरे अंकल और मेरी मम्मा को तो पहचानती हो शायद, और पापा को भी शायद पहचानते हो, और मुझे तो पहचानते ही हो। वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं और कोई देख नहीं रहा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मम्मा की बस एक टेस्ट करवानी थी, वो हम लोगों ने करवा ली। अभी बस रिपोर्ट आएगा, उसके बाद मम्मा को एडमिट कर देंगे। और ये देखो पीछे कितने लोग हैं। ठीक है ना, ठीक ठीक है, ठीक है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा 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 ठीक तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करके, और मुझे बहुत याद आ रही है मम्मा की, लेकिन अभी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। कल शायद काफ़ी ज़्यादा रोना आएगा, काफ़ी ज़्यादा याद आएगा मम्मा की, लेकिन क्या करूँ, अनु को भी याद आ रही है मम्मा। और कल की बात मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। एना भी खाएगी अपनी खाना, चिकन और एग के साथ खा रही है ये। एना स्टे, ओके ईट, धीरे खाओ एनू, नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे धीरे। तो ये देखो एंजेल भी खा रही है अपनी खाना। गुड गुड। और एना का तो खत्म भी हो गया, देखो देखो खत्म हो गया। तो हाय गाइस, गुड नून, और फाइनली हमारा भाई या बहन हो चुका है। हम लोग अभी देखकर आए हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और सुबह 8 बजे हुआ है वो, और काफ़ी लोगों ने तो शायद पोस्ट में देख ही लिया होगा कि हम लोग उसका जेंडर रिवील और फेस रिवील नहीं करेंगे अभी। कुछ दिन बाद हम लोग उसका जेंडर रिवील और फेस रिवील करेंगे, काफ़ी जल्दी करेंगे। हॉस्पिटल पे ना बोलो कोई फ़ोटो ना कोई वीडियोस, कुछ शूट नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हम लोगों ने कोई फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं किया और कोई वीडियोज़ भी शूट नहीं किया। क्या करें क्या करें क्या करें। एना भाई बहन हो गया हमारा, ये एंजेल हो गया हमारा भाई बहन, ये ये। तुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंजेल तुझे समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भाई या बहन हमारा घर पे आएगा तब इनको समझ में आएगा। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मम्मा के बिना कैसे रहूं, मुझे बहुत ज़्यादा रोना है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है मम्मा की। मैं घूमूँ घर पे मेरी दादू और दादी के साथ,
और मेरे दो बहनों भी है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है मम्मा की। कल रात को तो मैं मम्मा के बिना ही था और आज भी रहना पड़ेगा और कल भी। एक दिन बस और रहना है, उसके बाद मम्मा के साथ डिस्चार्ज हो जाएगी। मम्मा आ जाएंगे घर पे छोटी सी भाई बहन को लेके। फिर भी बहुत रोना, बस एक दिन और एक दिन। तो गाइस अभी मम्मा के डिस्चार्ज हो चुकी है, अभी मैं दादू और दादी जा रहे हैं मम्मा को और भाई बहन को लाने के लिए, और पापा पहले से ही जा चुके हैं। इंश्योरेंस का जो पेपर्स है उनको थोड़ा सा लिखने के लिए, ठीक है या नहीं वो करने के लिए पापा चले गए हैं और अभी जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार एंजेलिना को दिखा देती हूँ। और एंजेल तो बेड के नीचे घुस के सो रही है। एंजेल सो रहे थे आप? चल आजा बाहर आजा। और ये देखो एना भी सो रही है, छोना बच्चा। तो गाइज हम लोग घर पे आ चुके हैं, मम्मा भी घर पे आ चुके हैं और भाई बहन भी घर पे आ चुके हैं। तो मैं भाई बहन को, मम्मा को और एंजेलिना को एक बार दिखाती हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और भाई बहन को दिखाऊंगा लेकिन उसका फेस रिवील नहीं करूंगा, उसका फेस मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए एंजेल दिखा देते। और एंजेलिना के साथ भी नहीं मिला है बेबी को, कुछ दिन बाद मिलाएंगे हम लोगों ने सोचा। तो चलो एक बार दिखा देती हूँ और एना को भी दिखा देती हूँ। और देखो एना और एंजेल यहाँ पर बैठ बैठ के बेबी की आवाज़ सुन रहे हैं और कू 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 करे जा रहे हैं। भाई या बहन को देख लो, और मम्मा यहाँ पर बेबी को गोदी पे लेके बैठे हुए हैं। ये देखो हमारा भाई या बहन अभी अपनी बेड में सो रही है। तो गाइस आई नो कि ब्लॉग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, लेकिन क्या करूं, मैं मम्मा के बिना उतने अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाता। और मैंने सोचा था कि हॉस्पिटल पे जाऊंगा, मम्मा को दिखाऊंगा, भाई बहन को दिखाऊंगा और घर पे आके एंजेलिना को दिखाऊंगा, ऐसे करके एक अच्छा व्लॉग बना दूंगा। लेकिन वो तो नहीं कर पाया क्योंकि हॉस्पिटल पे पेशेंट के रूम पे तो एकदम फ़ोन अलाउड ही नहीं था। वहाँ पर एक जगह पे फ़ोन को जमा करके जाना पड़ रहा था पेशेंट के रूम पे। और हाँ गाइज, मैंने जितना भी बेबी को दिखाया उससे क्या आप गेस कर पाते हो कि वो बॉय है या गर्ल? अगर गेस कर पाते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ब्लॉग जैसी भी बनी है अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वो जो बेल आइकन है उसको टिंग टिंग करके बजा देना, ताकि आप लोगों के पास ब्लॉग की नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग पे हम बेबी का जेंडर रिवील करेंगे। तो बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय 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 बाय। एनीवे, थैंक यू। बाय बाय।